हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नियोनेटल रिससिटेशन। तो नियोनेट्स में प्राइमरी कॉजेज़ क्या क्या होते हैं डेथ के, जैसे कि प्री मेच्योरिटी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेरीनेटल हाइपोक्सिया हो सकता है, मालफॉर्मेशन हो सकते हैं या अदर कॉजेज़ हो सकते हैं। तो प्री मेच्योरिटी में कितने परसेंट होते हैं डेथ के, 27%। इन्फेक्शन की वजह से 17%। पेरीनेटल हाइपोक्सिया की वजह से 29% सबसे ज़्यादा डेथ होती है, एंड मालफॉर्मेशन की वजह से 9% एंड अदर कॉजेस 18% होती हैं। उसके बाद में 4 मिलियंस न्यूबॉर्न डेथ बाई, ठीक है, क्यों होती हैं मिलियन डेथ्स, ऑलमोस्ट ऑल आर ड्यू टू प्रिवेंटेबल कंडीशन। ज़्यादातर क्या होती है, प्रिवेंटेबल कंडीशन की वजह से ही होती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा सेप्सिस या निमोनिया की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद में प्रीटर्म बेबीज़ की वजह से, एस्फिक्सिया की वजह से, कंजेनाइटल कुछ एबनॉर्मलिटी उनकी वजह से, अदर्स की वजह से, टिटनेस की वजह से, डायरिया की वजह से, ठीक है। ठीक है, तो इन्फेक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा होती है 36%। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका, इंट्रोडक्शन में बेसिक लाइफ सपोर्ट नीडेड फॉर पेशेंट होज ब्रीथिंग और हीट हैज स्टॉप्ड। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट की क्यों चाहिए होता है, क्या नीड होती है फॉर पेशेंट हु ब्रीथिंग और हार्ट हैज स्टॉप, मतलब जिसके ब्रीथिंग स्टॉप हो गई या फिर जिसका हार्ट काम करना बंद कर दिया हो, तो उनमें बेसिक लाइफ सपोर्ट चाहिए होता है। वेंटिलेशन आर गिवन टू ऑक्सीजनेट ब्लड When breathing is inadequate or has stopped, मतलब जो वेंटिलेशन होता है वो दिया जाता है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, when breathing is adequately has, मतलब जो ब्रीथिंग होती है या तो adequately हो या फिर stopped हो, तो उस कंडीशन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही है, तो उस कंडीशन में वेंटिलेशन भी रिक्वायर होता है। इफ हार्ट हैज स्टॉप, अगर हार्ट स्टॉप हो जाए तो चेस्ट कंप्रेशन आर गिवन टू सर्कुलेट ब्लड टू वाइटल ऑर्गन, ठीक है। अगर हार्ट स्टॉप हो जाए तो चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है ताकि जो ब्लड है वो ऑर्गन्स तक सर्कुलेट हो सके। वेंटिलेशन कम्बाइंस विद द चेस्ट कंप्रेशन इज कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब जो चेस्ट कंप्रेशन के साथ में वेंटिलेशन देने को ही कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज कॉमनली गिवन टू पेशेंट इन कार्डिक अरेस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ट अटैक, ओके। उसके बाद में इंडिकेशन ऑफ रिससिटेशन, इंडिकेशन में क्या होता है, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, एंटीपार्टम फैक्टर्स में, इंट्रापार्टम फैक्टर्स या फिर पोस्टपार्टम फैक्टर्स में देते हैं। तो एंटीपार्टम फैक्टर्स में मेटर्नल डायबिटीज़ हो, मेटर्नल इन्फेक्शन हो, हाइड्रोमनियोज हो, पोस्ट टर्म जस्टेशन हो या फिर मेटर्नल ड्रग एब्यूज हो या फिर कोई ड्रग्स की वजह से, जैसे रेस्पिरिडिन, लिथियम कार्बोनेट, इन सब की वजह से अगर मदर ले रही है तो ये सब कॉज हो सकते हैं एंटीपार्टम फैक्टर्स में। पेरीनेटल फैक्टर्स, ठीक है, ये पेरीनेटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ड्रग्स है, रेडिएशन रिस्क है या फिर ब्लीडिंग हो रही है किसी भी कॉज की वजह से, ठीक है, या फिर आरएच इनकम्प्लीटिबिलिटी है मदर में, ठीक है। उसके बाद में इंट्रानेटल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एबनॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हो फीटस का, प्री मेच्योर लेबर हो, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में, फॉल स्मेलिंग एमनियोटिक फ्लूइड, प्रिसिपिटेट लेबर, फीटल ब्रेडिकार्डिया, कोल्ड प्रोलैप्स, कोनियम स्टेंड एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, नारकोटिक एडमिनिस्ट्रेशन टू मदर विद इन 4 आवर ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो ये होते हैं इंटरनेटल फैक्टर्स। उसके बाद में पेरीनेटल फैक्टर्स में तो ये सब आप देख रहे हैं, जैसे फीटस को जॉन्डिस हो, ठीक है, लो बर्थ वेट बेबीज हो, ठीक है, या फिर फीटस को और कोई कंडीशन हो जिसकी वजह से वो आईसीयू में हो, एडमिट हो, या फिर वो वेंटिलेटर पे हो। एबीसी फॉर रिससिटेशन,
एबीसी फॉर रिसेसिटेशन। एबीसी क्या होता है रिसेसिटेशन में? एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो एबीसीडी मतलब एयरवे, मतलब एयरवे इस्टेब्लिश ओपन एयरवे पोजीशन एंड सक्शनिंग। ठीक है, तो एयरवे को की पोजीशन इस्टेब्लिश करना और सक्शनिंग करना। बी, ब्रीथिंग को कैसे मेंटेन करना? इनिशियल ब्रीथिंग बाय टैक्टाइल स्टिमुलेशन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सी, सर्कुलेशन, मेंटेन सर्कुलेशन चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन को से सर्कुलेशन को मेंटेन करना। और डी होता है मेडिकेशन, मेडिकेशन देना। उसके बाद में इनिशियल स्टेप, तो इनिशियल स्टेप में क्या होता है कि थर्मल मैनेजमेंट, पोजीशनिंग, सक्शनिंग एंड टैक्टाइल स्टिमुलेशन। तो ये इनिशियल स्टेप में किए जाते हैं। ठीक है, थर्मल मैनेजमेंट किया जाता है सबसे पहले। बेबी को ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में, ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में नहीं रखा जाता। पोजीशनिंग प्रॉपर दी जाती है बेबी को, सक्शनिंग की जाती है और टैक्टाइल स्टिमुलेशन किया जाता है। उसके बाद में एंटीसिपेशन, तो एंटीसिपेशन दूसरा होता है एडिक्वेट प्रिपरेशन। तीसरा होता है इनिशियल स्टेबलाइजेशन, टाइमली रिकॉग्निशन, क्विक एंड करेक्ट एक्शन। ठीक है, आर क्रिटिकल फॉर द सक्सेसफुल रिसेसिटेशन। ठीक है, तो ये सब होते हैं जब हम, ये स्टेप होते हैं जब हम रिसेसिटेशन कर रहे हैं क्रिटिकल केयर में। तो ये सब स्टेप होते हैं। सबसे पहले एंटीसिपेशन ऑफ रिसेसिटेशन। तो रिसेसिटेशन मस्ट बी एंटीसिपेटेड एट एवरी बर्थ। ठीक है, एवरी बर्थ अटेंडेंट अटेंडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड एबल टू रिसेसिटेट। ठीक है, तो एवरी बर्थ के लिए हमको रिसेसिटेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। एवरी बर्थ को ऐसे ही अटेंड करना चाहिए जैसे कि हम रिसेसिटेट करने में कैपेबल हैं। दूसरा, एडिक्वेट प्रिपरेशन फॉर रिसेसिटेशन। तो सेल्फ इन्फ्लेटिंग एम्बू बैग होना चाहिए न्यूबॉर्न साइज का। टू, इन्फेंट मास्क होने चाहिए फॉर नॉर्मल एंड स्मॉल न्यूबॉर्न के लिए। ए, सक्शन डिवाइस होना चाहिए म्यूकस एक्सट्रैक्शन के लिए। और रेडिएंट हीटर होना चाहिए, अगर अवेलेबल है तो वार्म टॉवल या फिर ब्लैंकेट होना चाहिए। ठीक है, और एक क्लॉक होनी चाहिए। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है जो हमको रिसेसिटेशन के लिए चाहिए। इनिशियल स्टेबलाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग, दिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग, थर्मल मैनेजमेंट, थर्मल मैनेजमेंट करना है बेबी का। उसके बाद में पोजिशनिंग नियोनेट अंडर रेडिएंट वार्मर टू मिनिमाइज हीट लॉस। उसके बाद में सक्शनिंग ऑफ माउथ एंड नोज। ठीक है, ट्रेकियल सक्शनिंग इफ मिक्योनियम प्रजेंट। ठीक है, प्रोवाइड टेक्टाइल स्टिमुलेशन। ठीक है, दिस शुड ऑलवेज टेक अप्रोप्रिएटली 20 seconds। उसके बाद में ओपन द एयरवे, एयरवे को ओपन करना है। तो एयरवे को ओपन करने के लिए पुट द बेबी ऑन बैक, बैक पे रखना है बेबी को। उसके बाद पोजिशन द हेड सो इट इज स्लाइटली एक्सटेंड। तो हेड की पोजिशन को स्लाइटली एक्सटेंडेड करना है जिसकी वजह से एयरवे ओपन हो सके। द अपर एयरवे माउथ देन नोज शुड बी सक्शन टू रिमूव फ्लूड इफ स्टेन विद ब्लड और मिकोनियम। ओके, सेकेंड होता है इफ देर इज नो क्राई असेस ब्रीथिंग। इफ चेस्ट इज राइजिंग सिमेट्रिकल विद फ्रीक्वेंट मोर देन 30 per minute। ठीक है, नो इमीडिएट एक्शन इज नीडेड। उसके बाद मतलब इफ द न्यूबॉर्न इज नॉट ब्रीथिंग और गैस्पिंग। अगर बेबी ब्रीथिंग नहीं ले रहा है तो क्या करें? इमीडिएट स्टार्टिंग रिसेसिटेशन को इमीडिएट स्टार्ट करना है। देर आर टू टेक्निक टू प्रोवाइड ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग करने के लिए टू टेक्निक प्रोवाइड की जा सकती है। पहली है टेक्निक फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए टेक्निक। दूसरी होती है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो सबसे पहली है टेक्निक फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या क्या करेंगे? क्लीन द माउथ ऑफ म्यूकस। ठीक है,
म्यूकस क्लीन करेंगे माउथ से, फिर हाइपर एक्सटेंडेड द नेक करेंगे विद वन हैंड एंड क्लैंप द नोस्ट्रियल विद फिंगर। ठीक है, तो एक हाथ से हेड को एक्सटेंड करेंगे एंड दूसरे हाथ से नोस्ट्रियल को क्लैंप करेंगे। ठीक है, एंड और सील द नोज एंड माउथ और नोज ओनली। ठीक है, टेक डीप ब्रीथ एंड फोर्स एयर इन टू लंग्स। उसके बाद में हम डीप ब्रीथ लेकर फिटस के लंग्स में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे, फोर्स एयर लंग्स में एयर फोर्सफुली इंसर्ट करवाएंगे। अगर कोई इक्विपमेंट अवेलेबल है नहीं है तो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देंगे। उसके बाद में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, और अगर अम्बू बैग है अपने हमारे पास में अवेलेबल अम्बू बैग है तो अम्बू बैग से भी हम रेस्पिरेशन दे सकते हैं। उसके बाद में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ न्यूबॉर्न रिससिटेशन। ठीक है, ऑफ इंश्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, ऑक्सीजनेशन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स एंड इनिशिएशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। ठीक है, तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन तो एडिक्वेट वेंटिलेशन के लिए यूज किया जाता है लंग्स के लिए। ठीक है, वाइटल्स ऑर्गन को ऑक्सीजनेशन देने के लिए और स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग को इनिशिएट करने के लिए। वेंटिलेशन कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज बी इनिशिएटेड यूजिंग ए बैग ऑफ एंड मास्क। ठीक है, एंड बेसिक काइंड ऑफ रिससिटेशन बैग आर अवेलेबल। ठीक है, सेल्फ इन्फ्लामेशन बैग, सेल्फ इन्फ्लाटिंग बैग होता है और लो इन्फ्लाटिंग बैग होते हैं। उसके बाद में आउटलाइन प्रोसीजर फॉर वेंटिलेट, क्या करना चाहिए। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मास्क, अप्रोप्रिएट साइज का मास्क हमको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में रीपोजिशनिंग द न्यूबॉर्न, मेक श्योर द नेक इज स्लाइटली एक्सटेंड। ठीक है, प्लेस द मास्क ऑन द न्यूबॉर्न फेस एंड इट कवर द चिन। ठीक है, चिन को कवर करते हुए मास्क रखना है, उसके फेस पे चिन को कवर करना है, माउथ को क्लीन कवर करना है एंड नोज को कवर करते हुए मास्क रखना है। उसके बाद में फॉर्म ए सील बिटवीन द मास्क एंड इन्फेंट फेस। ठीक है, मास्क और इन्फेंट फेस के बीच में हमको सील बनानी है जिसकी वजह से एयर लीकेज ना हो। ठीक है, स्क्वीज द बैग विद टू फिंगर्स ओनली। ठीक है, बैग को स्क्वीज करना ओनली टू फिंगर्स से। देयर शुड बी नोटिसेबल राइज एंड फॉल द चेस्ट विद ईच इन्फ्लेशन, और हर इन्फ्लेशन एयर इन्फ्लेशन के दौरान चेस्ट राइज हो रही है फॉल हो रही है ये हमको देखना होता है। उसके बाद में इवालुएट द हार्ट रेट, हार्ट रेट को इवालुएट करना है आफ्टर 30 सेकेंड। काउंट द हार्ट रेट फॉर 6 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड के बाद में हार्ट रेट को काउंट करना है 6 सेकेंड तक और 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमको एडिक्वेट हार्ट रेट पर मिनट काउंट हो जाएगी। इफ़ द हार्ट रेट इज मोर देन 100 बीट पर मिनट एंड द इन्फेंट एंड स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हार्ट रेट उसकी 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा आ गई है और बच्चा अपने आप सांस लेने लग गया है तो वेंटिलेशन को डिसकंटिन्यू कर देंगे और प्रोवाइड टेक्टाइल स्टिमुलेशन फॉर फ्री फ्लो ऑक्सीजन। ठीक है, टेक्टाइल स्टिमुलेशन करवाएंगे मतलब उसके पैर के सोल पे हम टैपिंग करेंगे और अगर हार्ट रेट है वो 100 से बीट पर मिनट से कम है, ठीक है, तो वेंटिलेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे विद 100% ऑक्सीजन, इनिशिएट चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन के साथ में। उसके बाद में चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं व्हेन इवन द हार्ट रेट रिमेन लेस देन 60 बीट पर मिनट इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है, उसके बाद में टाइप टू थंब टेक्निक, पहला होता है थंब टेक्निक, दूसरा होता है टू फिंगर टेक्निक। ठीक है, तो चेस्ट कंप्रेशन होता है वो दो तरह का होता है, थंब टेक्निक होता है और सेकंड होता है टू फिंगर टेक्निक होता है। ठीक है, तो मतलब फिटस की चेस्ट पे एक थंब से भी हम कंप्रेशन कर सकते हैं और जो टू फिंगर्स होती हैं अपनी उनसे भी हम कंप्रेशन कर सकते हैं। प्रेशर टू बी अप्लाइड वर्टिकली, वर्टिकली प्रेशर अप्लाई करना है
cannot use effectively if the baby is large or if our hand are small. ठीक है, अगर हमारा हाथ बहुत छोटा है या फिर बेबी लार्ज है तो ये इफेक्टिवली नहीं होगा. पोजिशन ऑफ द बेबी इज फर्म सरफेस, मतलब एक हार्ड सरफेस पे बेबी को रखना है विद नेक स्लाइटली एक्सटेंडेड. ठीक है, उसके बाद में लोकेशन, तो हमको हैंड कहाँ रखना है, मतलब फिंगर्स या फिर थंब हमको कहाँ रखना है, लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के लोअर थर्ड पार्ट पे रखना है. ठीक है, लोअर थर्ड पार्ट पे रखना है विच लाइज बिटवीन द जिम्फोइड एंड द लाइन ड्रो बिटवीन निप्पल्स. ठीक है, निप्पल्स के बीच में हमको एक लाइन ड्रो करके उनके बीच में रखना है बिटवीन द जिम्फोइड. डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन की डेप्थ क्या होती है, इन्फेंट में होती है आधे से लेकर थ्री फोर्थ इंच तक. ठीक है, और चाइल्ड में होती है एक से लेकर डेढ़ इंच तक कंप्रेशन डेप्थ होती है. ठीक है, कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेट एंड रेशन फॉर अडल्ट, मतलब डेप्थ का क्या मतलब है कि हम फिंगर्स या फिर थंब के से हम चेस्ट को कितना अंदर तक कंप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, वो होती है. उसके बाद में कंप्रेशन रेट और वेंटिलेशन की रेट क्या क्या होती है, तो फॉर अडल्ट्स के लिए होती है 30 कंप्रेशन देंगे उसके बाद में 2 ब्रीथ देंगे, लेकिन बच्चों में क्या होता है इन्फेंट में 15 कंप्रेशन देते हैं और 2 ब्रीथ देते हैं. चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद में प्लेस थंब ऑन बोथ हैंड ऑन स्टर्नम वाइल फिंगर इन सर्कल चेस्ट. ठीक है, जैसे आप फिगर में इसमें इमेज में देख रहे हैं कि जो दोनों थंब है वो तो स्टर्नम पे रखने हैं और फिंगर है वो सर्कल बनाते हुए चेस्ट पे रखनी है. कंप्रेस ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन को कंप्रेस करना है विद बोथ थंब. ठीक है, वाइल फिंगर सपोर्ट द नेक. ठीक है, नेक को सपोर्ट भी करना है फिंगर से जो दोनों रेस्क्यूर करेगा. ठीक है, टू रेस्क्यूअर सीपीआर इन्फेंट, तो ये टू रेस्क्यूअर सीपीआर इन्फेंट है, इसमें टू रेस्क्यूअर है ना, एक कंप्रेशन कर रहा है दूसरा ब्रीथिंग दे रहा है. और रेस्क्यूअर फर्स्ट चेक एबीसी, तो रेस्क्यूअर को क्या करना चाहिए, रेस्क्यूअर मतलब जो सीपीआर दे रहा है वो व्यक्ति. ठीक है, तो पहले एबीसी को चेक करेगा, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन चेक करेगा. ठीक है, पहला रेस्क्यूअर, और दूसरा रेस्क्यूअर क्या करता है, चेस्ट कंप्रेशन करता है. आफ्टर इफेक्टिवली कंटिलेटिंग फॉर अबाउट 1 मिनट, स्टॉप ब्रीफली बट डू नॉट रिमूव द मास्क एंड बैग, लुक फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग. मतलब 1 मिनट के बाद में इफेक्टिवली वेंटिलेशन, 1 मिनट के बाद में वेंटिलेशन को स्टॉप करना है, बट मास्क को रिमूव करना है नहीं करना, बैग को रिमूव नहीं करना है, और अपने आप ब्रीथिंग ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है उसको देखना है. अगर फिर इफ देर इज नन और इट्स वीक, अगर ब्रीथिंग अभी भी नहीं ले पा रहा है या फिर वीक ब्रीथिंग ले रहा है तो वेंटिलेशन को कंटिन्यू रखना है. ठीक है, कब तक, जब तक कि क्राई या फिर ब्रीथिंग स्टार्ट नहीं हो तब तक. इफ ब्रीथिंग इज स्लो, अगर ब्रीथिंग स्लो है तो फ्रीक्वेंटली ब्रीथिंग इज मोर देन लेस देन 30, मतलब अगर फ्रीक्वेंटली ब्रीथिंग है और लेस देन 30 है, और इफ देर इज सीवियर चेस्ट इनड्रोविंग है तो कंटिन्यू वेंटिलेशन एंड आस्क फॉर अरेंजमेंट फॉर रेफरल इफ पॉसिबल. ठीक है, ए न्यूबॉर्न विल बेनिफिट फ्रॉम ट्रांसफर ओनली इफ इट इज प्रॉपरली वेंटिलेटेड एंड केप्ट वार्म ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए कब बेनिफिट होगा, जब प्रॉपरली वेंटिलेटेड रहे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान और वार्म रहे. ठीक है, उसके बाद में इफ देर इज नो ग्रास्पिंग और ब्रीथिंग, अगर कोई भी ग्रास्पिंग या फिर ब्रीथिंग नहीं हो रही है 20 मिनट तक वेंटिलेशन के दौरान, तो वेंटिलेशन को स्टॉप कर देना चाहिए. ठीक है, केयर आफ्टर सक्सेसफुल रिससिटेशन, सक्सेसफुल रिससिटेशन के बाद में क्या केयर दी जा सकती है, डू नॉट सेपरेट द मदर एंड न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न और मदर को सेपरेट नहीं करना चाहिए, लीव द न्यूबॉर्न स्किन टू स्किन विद मदर. ठीक है,
एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करना चाहिए विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, ठीक है। एंड न्यू बॉर्न नीड रिससिटेशन इज हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हायर रिस्क होता है डेवलप होने का ऐसे ऐसे फिटस में, ठीक है। तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व सकलिंग रिफ्लेक्स है तो उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। गुड सकलिंग इज ए साइन ऑफ गुड रिकवरी, ठीक। उसके बाद में ड्रग्स क्या क्या देते हैं। ड्रग्स आर सेल्डम नीडेड टू स्टिमुलेटिंग द हार्ट सो दैट इट सप्लाईज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई करना है, न्यूट्रिशन बेबी को देना है बाय ब्रेस्ट फीडिंग एंड वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। इन और वाइटल्स ऑर्गन्स के लिए ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई हो तो उसके लिए हमको ऑक्सीजन सप्लाई देनी है। इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन के लिए और रीस्टोर एसिड बेस बैलेंस के लिए ड्रग देना है। करेक्ट एसिडोसिस गया है तो उसको करेक्ट करने के लिए। दे मे बी रिक्वायर्ड इन न्यूबॉर्न हु डू नॉट रेस्पॉन्ड इन एडिक्वेट वेंटिलेशन विद 100% ऑक्सीजन एंड चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। ऐसे न्यूबॉर्न के लिए रिक्वायर है मेडिसिन जो कि एडिक्वेटली वेंटिलेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर 100% ऑक्सीजन के साथ में वेंटिलेशन को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या फिर चेस्ट कंप्रेशन को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे न्यूबॉर्न में ड्रग्स दी जा सकती है जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन इमीडिएट पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है। इमीडिएट पोस्ट नेटल पीरियड में रिकमेंडेड नहीं है इफ देर इज नो डॉक्यूमेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। इट शुड देयर नॉट बी गिवन रूटीनली टू न्यूबॉर्न हु आर नॉट ब्रीथिंग। इफ इट इज गिवन एडमिनिस्टर टू मिलीक्विलेंट पर के जी अम्लाइकल वेन से इसको देते हैं और स्लोली नॉट फास्टर, स्लोली देते हैं, फास्ट नहीं देते हैं। रेट ऑफ 1 mg 1 mg पर के जी पर मिनट के हिसाब से इसको देते हैं। उसके बाद में एपिनेफ्रिन देते हैं इन डोज ऑफ 0.01 से 0.03 mg पर के जी की डोज पे एपिनेफ्रिन देते हैं। इट शुड बी एडमिनिस्टर इफ द हार्ट रेट रिमेन लेस देन 60 beats per minute आफ्टर मिनिमम 30 seconds ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन चेस्ट कंप्रेशन और एडिक्वेट वेंटिलेशन के 30 seconds के बाद में भी अगर हार्ट रेट बेबी की 60 beats per minute से कम है तो उस कंडीशन में एपिनेफ्रिन देते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल वेन से इसको देते हैं, ठीक है, या फिर एंडोट्रेकियल या IVB इसको दे सकते हैं। उसके बाद में वॉल्यूम एक्सपांडर्स, कुछ वॉल्यूम एक्सपांडर्स देते हैं, IV फ्लूड्स देते हैं जैसे NS या RL दे सकते हैं जो 10 ml पर kg के हिसाब से देते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल वेन से इनको दे सकते हैं टू बी इन्फ्यूज ओवर 5 to 10 minutes, ठीक है। उसके बाद में नेलोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड देते हैं 1.0 mg पर ml सोल्यूशन देते हैं और उसको IV देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूनेटल रिससिटेशन। ओके, थैंक यू।